आर्मी ज्वाइन करूँगा। मैंने आर्मी, ये ट्रू स्टोरी है, यूथ के टाइम में मैंने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ से भगा दिया मुझे, कह रहे हैं एग्जाम दे के आना होता है, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ सकते आप यहाँ पे। यही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो आदमी इनिशिएटिव दिखाए। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी एज अ एंटरप्रेन्योर। नहीं, क्योंकि वो नहीं है ना उनके पास, बाकी सब कुछ है उनके पास, डॉक्टर, इन्फेंट्री, ऑर्डिनेंस, सब कुछ है, पर स्टार्टअप कल्चर नहीं। अभी भी जेट सम दूसरे, वो वाला जेट नहीं, ये वाला जेट दूसरी कंट्री से हम खरीदते हैं। जितने भी आर्मी के लोग हैं, मैं तुमको बता दूं एक चीज, वो सब गवर्नमेंट के पैसों से बने, सिर्फ मैं अकेला था जिसने सोचा कि टैक्स पे बर्डन क्यों बने। अपनी ट्रेनिंग मैंने खुद की, अपनी यूनिफॉर्म मैंने खुद सिलवाई, अपना रैंक मैंने खुद लगवाया, नेम प्लेट लगवाया मैंने, कर्नल मानिक महाना। तो रिस्पेक्ट ही नहीं है ये। इट्स द रीजन इज कैपिटलिज्म, आप जो मर्जी कहो, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन इज कैपिटलिज्म। आई एम नॉट सेइंग आई वाज नॉट इग्नोरेंट, मेरी भी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि ये जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है, जो कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज समझते हैं ना, दुश्मन की आंखें चुदिया जाती हैं उससे, ये जो कैमोफ्लाज मटीरियल होता है इंडियन आर्मी जिस पे लिखा होता है, यूनिफॉर्म का कपड़ा होता है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड मटीरियल। ऐसे दुकान में जाके आप पैसे देके उसको खरीद नहीं सकते, इट्स नॉट पुलिस यूनिफॉर्म। तो वो उसके लिए ना, उसके लिए आई कार्ड चाहिए होता है। अभी बनवा रहा हूं मैं, लेकिन तब नहीं था मेरे पास। तो टेलर ये बात मुझे बता सकता था ना, है ना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, जो उसके 200-300 रुपए बनते होंगे मेरे को वो बेच के, जो भी था वो, उसके पीछे उसने मेरा करियर बिगाड़ दिया। तभी तो पकड़ा गया हूं मैं, मेरे कैमोफ्लाज में केले बने हुए हैं। इतना ट्राई किया मैंने, नहीं नहीं सर मेरी पोस्टिंग केरला में थी, वो नहीं माने वो लोग।